नौकरी देने का वादा कर सत्ता दे विच आई पंजाब सरकार खुद सवालों के घेरे में है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उन्होंने खुद के जद्दी शहर के जद्दी की सरकार बनी हैगी है, जिहड़ा शहर है धरने का शहर बन के रह गया। दस दईए कि पिछले चार दिनों तो जिहड़े रजिंद्रा हस्पताल सरकारी रजिंद्रा हस्पताल पटियाला हैगा उस दियां नर्सां वालों रेगूलर किए जाने की मंग नूं लैके एम एस दफ्तर की जिहड़ी छेवीं मंजिल हैगी है ममटी हैगी है उस दे उत्ते चढ़ के संघर्ष किया जा रहा। तुहानूं दिखाउने आ कि किस तरह के नाल जिहड़ियां स्टाफ नर्सिज हैगियां वह एम एस दफ्तर के अगे मैडिकल सर्जन का जो दफ्तर हैगा उसके अगे धरने के उत्ते बैठिया होईयां। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ियां नर्सां हैगियां लगातार अज चौथे दिन भी धरने के उत्ते बैठिया होईयां हन। अगर गल करिए तां छोटे छोटे बच्चे हैगे ने जिहड़े वह भी अपने माता पिता की जिहड़ी रुजगार की मंग हैगी आ उस नूं लैके उहनां दे नाल धरने ते बैठे हुए ने। आखिर सरकार क्यों इन्हां दी मंग नहीं मन रही, क्यों किसी प्रशासनिक अधिकारी वालों इन्हां दे नाल गलबात नहीं की जा रही, गलबात करदे आ साडे नाल मौजूद ने स्टाफ नर्स, उन्हां नाल गलबात करदे आ, उन्हां नूं पुछदे आ कि आखिर की कारण हैगा कि सरकार है जिहड़ी इन्हां दी मंग हैगी जो पिछले 9 साल तो लगातार चली आ रही हैगी क्यों नहीं मनी जाती। की नाम जी? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मनप्रीत जी, आखिर क्यों तुहाडी जिहड़ी मंग हैगी है लगातार 9 साल हो गए तुहानूं संघर्ष करदे होए, कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा शहर हैगा, इस दे विच लगातार धरने प्रदर्शन करने पै रहे हैं। सरकार एक पासे कहिंदी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो दूजे पासे जिहड़ियां बेटियां हैगियां उन्हां नूं सड़कां दे उत्ते बैठना पै रहा, आखिर क्यों तुहाडी सार नहीं लई जा रही? कैप्टन साहब दी तां बहुत दूर दी गल है, मैं साडे जिहड़े सेहत मंत्री जी ने उन्हां दे शहर दे विच पटियाला दे विच जो रजिंद्रा हॉस्पिटल टीवी हॉस्पिटल अते गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर है उन्हां दे 3 डिपार्टमेंट ने जिहड़े नर्सिंग एनसिलरी स्टाफ अते दर्जा 4 कर्मचारी 3 डिपार्टमेंट अपनियां 24 घंटे दियां सेवावां बंद करके 5 तरीक तो प्रोटेस्ट कर रहे ने। साडियां मेरे नाल दियां जिहड़ियां पहलां 6 भैणां सीगियां वह एम एस साहब दे दफ्तर दे 6वीं मंजिल ते ममटी ते बैठियां सी, जो कि साडी इक्को इक डिमांड जिहड़ी कि 2009 तो लैके 2018 तक ठेके ते भर्ती की गई है, साडी इक्को इक डिमांड है कि साडा इह जिहड़ा ठेकेदारी दा कलंक है इह दूर कीता जावे ते सानू जल्द तो जल्द रेगूलर कीता जावे। जदों बादल सरकार दे टाइम असी धरने लाए संघर्ष कीता, सानू बादल साहब ने चिट्ठी दित्ती सी कि तुहानू 33% दियां 3 किश्तां दे के फिर तुहानू रेगूलर कीता जाऊगा, पर जिहड़ियां 33% दियां किश्तां सी उह भी असी बड़े संघर्ष कीते, बड़े औखे टाइम झले। साड़ी प्रधान करमजीत कौर ने नहर च छाल मार के किश्त लई, जेल कट के असी मेरियां भैणां ने वीरां ने जेलां कट्टियां, फिर साड़ी दूजी किश्त मिली। जिहड़ी जदों असी तीजी किश्त बारे संघर्ष कर रहे सी साडे च महाराणी परनीत कौर आके बैठे धरने च, बादल साहब नूं चिट्ठी लिखी कि इन्हां नूं जल्दी धीआं नूं भैणां नूं रेगूलर किया जाए, इन्हां दी जायज़ डिमांड है, इन्हां नूं नौकरी दित्ती जाए। चलो बादल साहब ये पॉलिसी बना के चले गए, जदों कैप्टन दी सरकार आई वोटां लैण तो पहलां महाराणी परनीत कौर ठूठे लैके वोटां मंगण जांदी सी, साडे मैनीफेस्टो देखो असी घर घर नौकरी देवांगे, साडी इक्को इक डिमांड सी कि साडी जिहड़ी जॉब है वह रेगूलर की जाए, पर 2 साल बीत गए उन्हां दी सरकार आया नूं अज तक महाराणी परनीत कौर ने आके एक बार नहीं पुछया तुहाडी डिमांड पूरी होई जां नहीं होई। जदों कि असी 5 तरीक तो छत ते बैठियां मेरियां भैणां जिहदे विच साडी करमजीत कौर प्रधान, बलजीत कौर खालसा दर्जा 4 कर्मचारी, सतपाल सिंह मेरा वीर उपर बैठे ने, बाकी साडे दर्जा 4 कर्मचारी एनसिलरी स्टाफ नर्सिंग स्टाफ नीचे बैठे उन्हां दा योगदान दे रहे ने। साड़ी इक्को इक मंग है कि सानू जल्दी तो जल्दी रेगूलर किया जाए। साड़ी मीटिंग हुई DRME साहब नाल उन्हें थोड़ी देर पहला आए सी, उन्होंने कहा प्रधान करमजीत कौर नू किवें ना किवें नीचे बुलाओ, असी तुहानू आश्वासन दिंदे आ कि सोमवार नू मैं बाय हैंड तुहाडी जिहड़ी चिट्ठी है उते साइन करवाऊंगा, पर नहीं, साड़ी प्रधान औलख ने कहा मैं नीचे नहीं आऊँगी मीटिंग करन, तुसी उपर आओ। तस इतों DSP साहब साडे नाल उपर गए, उहदे नाल गलबात की। करमजीत कौर प्रधान दा सीधा कहना सी चाहे मेरे कोल कैप्टन अमरिंदर आ जाए चाहे सेहत मंत्री आ जाए, जेकर वह भी आके मैनू कहणगे कि तुहानू पक्के कर देंगे नोटिफिकेशन दे दिंदे आ तुसी नीचे आ जाओ, पर उहदा सख्त मना सी, वह कहिंदी चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं अपने वीरां भैणां नू पक्के कराऊंगी ते उत्थे ऑर्डर लै के ही नीचे आऊंगी। अगर गल करिए कि हुण गल आर पार दे संघर्ष की हो गई है तो किन्ने लोग है जिहड़े मरण वरत ते बैठे हुए ने, किन्ने लोग ने जिहड़े हुण उपर जिहड़े 6वीं मंजिल हैगी उस ते बैठे हुए ने?
ਉੱਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਨਰਸਿਸ ਭੈਣਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸਿਲਰੀ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਪੰਜ ਜਣੇ ਉਹ ਭੁੱਖੜ ਤਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ADC ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ DSP ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ।